ड्रामे की शुरुआत में दो लेडीज को भागता हुआ दिखाया जाता है, जिनमें से एक लेडी क्वी होती है जो कि घायल हालात में होती है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। वहीं पे दूसरी तरफ लेंगली जो भाग रही होती है उसके पीछे उसकी दासी पड़ी हुई होती है और लेंगली को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि लेंगली जो अपने आप को मारना चाहती थी। वेल, अब क्वी भागी रही होती है कि तभी अचानक से क्वी के सामने लियान चेन आ जाता है, जिसे देख के क्वी थोड़ी खुश हो जाती है क्योंकि क्वी को यहाँ पे उम्मीद होती है कि लियान चेन उसकी जान जरूर बचाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, लियान चेन क्वी को धोखा दे देता है और नाइफ की हेल्प से सीधा क्वी के हार्ट में स्टैप करता है, और जिसके बाद लियान चेन क्वी की बॉडी को एक तालाब के अंदर डाल देता है। वेल, क्वी की बॉडी को जिस तालाब के अंदर फेंका जाता है उसी तालाब के अंदर लेंगली भी कूद जाती है। वेल, तालाब के अंदर क्वी और लेंगली एक दूसरे को देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए क्वी लेंगली की बॉडी के अंदर समा जाती है। सीन आगे बढ़ता है जहाँ लेंगली बिस्तर से उठ के सीधा शीशा देखने जाती और रोने लग जाती है, क्योंकि एक्सटर्नली हमें भले ही लेंगली दिखाई जा रही हो लेकिन इंटरनली लेंगली के बॉडी के अंदर क्वीन की सोल होती है। यहाँ पे आगे दिखाया जाता है कि लेंगली अपने परिवार में सबसे छोटी होती है, जिस वजह से सभी लोग लेंगली को दबाया करते थे। लेंगली के दोनों ही बड़े भाई बहन लेंगली से सारा काम करवाया करते थे और स्पेशली वो आजकल लेंगली से और भी ज्यादा जलने लग गए थे, क्योंकि लेंगली की शादी जो है फिक्स हो गई थी राजा के पांचवें बेटे से, और लेंगली के दोनों ही बड़े भाई बहनों को जलन मचने लग गई थी कि अब लेंगली बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी, जिस वजह से लेंगली की बहन स्पेशली लेंगली को काफी ज्यादा तंग करती है ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड जो है पागल है, तो अच्छा है एक पागल दूसरे पागल से शादी कर रहा है। लेकिन इस बार लेंगली की बॉडी के अंदर क्वीन की सोल होती है, जिस वजह से लेंगली इस बार चुप नहीं रहती और अपने भाई बहन पे चिल्लाने लग जाती है कि तभी लेंगली के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और उल्टा लेंगली पे ही चिल्लाने लगते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि लेंगली क्यों मरना चाहती थी, क्योंकि उसके बड़े भाई बहन ऐसी ही है और उसके फादर भी उसे सपोर्ट नहीं करते हैं और उल्टा वो किसी और भी पागल इंसान से उसकी शादी करवा रहे हैं। वेल, लेंगली को यहाँ पे लियान चेन से बदला लेना था, जिस वजह से लेंगली डिसाइड करती है कि वो चुपचाप से अपने फादर की बात मानेगी और चुपचाप से जो है राजा के पांचवें बेटे से शादी कर लेगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, लियान चेन जो है राजा का तीसरा बेटा होता है, यानी कि लेंगली जो है अपने ही हस्बैंड के बड़े भाई से बदला लेने वाली है। वेल, अब कुछ ही टाइम बाद लेंगली की शादी हो जाती है और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है लेंगली की फर्स्ट नाइट की तरफ। वेल, लियान यौन को देख के ऐसा लगता है कि भले ही सभी लोग उसको पागल कहते हो लेकिन एक्चुअली में जो है लियान यौन का नेचर बिल्कुल ही बच्चों जैसा होता है, क्योंकि लियान यौन जैसे ही लेंगली को देखता है तो वो सीधा लेंगली का किस कर देता है और कहता है कि सभी लोग यही कह रहे थे कि फर्स्ट नाइट को यही करते हैं हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे लेंगली लियान यौन का ऐसा नेचर देख के काफी खुश हो जाती है और लियान यौन से फ्रेंडली बात करना शुरू कर देती है, जिसके बाद लियान यौन भी लेंगली से घुल मिल जाता है और लेंगली को खाने के लिए कुछ बिस्किट देता है, जिस बिस्किट को लेंगली जो है लियान यौन के साथ भी शेयर करके खाती है। वेल, दोनों ही बिस्किट खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से दोनों को चक्कर आते हैं और दोनों के दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। वेल, ये सब कुछ कम था कि अचानक से लियान यौन का भी पर्दाफाश करवा दिया जाता है, क्योंकि लियान यौन तो बेहोश हुआ ही नहीं होता है। लियान यौन ने ही लेंगली के बिस्किट के अंदर नींद की दवाई मिलाई थी और जानबूझ के लेंगली को शक ना हो इसलिए बेहोशी का नाटक किया था। वेल, अब नेक्स्ट डे जब लेंगली होश में आती है तो लियान यौन वापस से ही लेंगली के सामने बच्चों की तरह हरकतें करता है और लेंगली को इन्फॉर्म कर देता है कि उन लोगों को फट से रेडी होकर लियान यौन की मॉम से मिलने जाना है। वेल, यहाँ पे लियान यौन जिन्हें अपनी मॉम बोल रहा है उनका नाम है लुई, जो कि लियान यौन की असलियत में स्टेप मदर होती है और लियान चेन की रियल मदर होती है। लुई हमेशा से कोशिश करती है कि लियान यौन पीछे हो जाए और लियान चेन जो है आगे बढ़ते जाए, ताकि आगे चल के जो है उन्हीं का ही बेटा राजगद्दी में बैठे। लेंगली लुई से काफी नॉर्मल वे में बात कर रही होती है, जो कि लुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वेल, अब यहाँ पे ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लियान चेन यानी कि राजा का तीसरा बेटा, साथ में लियान चेन की वाइफ यौन जू और राजा का आठवां बेटा वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही लेंगली की नजर लियान चेन पे पड़ती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल, यहाँ पे लेंगली लियान चेन से ऑलरेडी गुस्से में थी कि तभी अचानक से लेंगली के सामने एक और बात खुल जाती है कि लियान चेन की वाइफ यौन जू के दिल में जो है खराबी होती है, जिस वजह से यौन जू काफी टाइम से बेड रेस्ट पे बैठी हुई थी। लेकिन अब यौन जू की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है, जिसके बाद लेंगली को पता चल जाता है कि लियान चेन ने जानबूझ के क्वीन को इसलिए मारा ताकि वो क्वीन के दिल को जो है यौन जू को बचाने में यूज कर सके। पर हमारा यहाँ पे लियान चेन तो लेंगली की सारी बातों से अनजान होता है, जिसके बाद लियान चेन पहुंच जाता है लियान यौन के पास चाय की कप लेके, ताकि वो लियान यौन को ग्रीट कर सके उनकी शादी की न्यूज पे। पर यहाँ पे लियान यौन चाय की कप को पकड़ पाता कि तभी लेंगली उस कप को छीन लेती है और सीधा आठवें बेटे के मुंह में दे मारती है, जिसके बाद देखते ही देखते आठवें बेटे के चेहरे में से खून निकलने लग जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में उस चाय के अंदर जहर मिला हुआ था। वेल, यहाँ पे सभी लोगों का शक लेंगली पे जाता है कि शायद से लेंगली ने चाय में जहर मिलाई थी, जिस पे लेंगली अपनी सफाई में कहती है कि लियान चेन बार बार मेरे हस्बैंड को फोर्स कर रहा था चाय पीने के लिए, ना कि आठवें बेटे को कर रहा था, और मुझे ये बात बुरी लगी कि आठवां बेटा ऐसे ही खड़ा है, जिस वजह से लेंगली जो है जानबूझ के लियान चेन के हाथ से चाय छीन लेती है ताकि वो आठवें बेटे को वो चाय दे सके। लेकिन इससे पहले कि लेंगली आठवें बेटे को वो चाय दे पाती
कि तभी लेंगली का बैलेंस बिगड़ जाता है और लेंगली के हाथों से वो चाय गिर के आठवें बेटे के चेहरे पे चली जाती है। और साथ ही साथ लेंगली लास्ट में ये कहती है कि अच्छा वो मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पी वरना वो मर भी सकते थे। और मेरे को पूरा शक है लियान चेन पे क्योंकि वही जानबूझ के मेरे हस्बैंड को चाय पिला रहे थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है लुई अपने बेटे को तो खतरे में डाल नहीं सकती, जिस वजह से जो है लुई ये सारी बातों को ऐसी सॉल्व करके वहां से सभी लोगों को भगा देती है। जिसके बाद लियान चेन बाहर जाके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पता नहीं ये लेंगली कौन है और ये मुझे इतनी फैमिलियर क्यों दिख रही है। मतलब वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लेंगली और लियान योन आपस में काफी ज्यादा हंसते हुए बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से उनके सामने एक दास आता है और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि लियान चेन की कल वाइफ का बर्थडे है तो उन्होंने सब लोगों को इन्वाइट किया है उनकी वाइफ के बर्थडे पर। यहाँ पे लेंगली लियान चेन से मिलने का मौका कैसे गवा सकती थी, जिस वजह से नेक्स्ट डे लेंगली पहुंच जाती है योंजू के बर्थडे पर जहाँ पे लेंगली अपने साथ योंजू के लिए गिफ्ट के तौर पे सूप भी लेके गई हुई होती है। लेकिन योंजू सूप को पी पाती कि उससे पहले ही योंजू डर के मारे उस कटोरी को गिरा देती है क्योंकि उस कटोरी के अंदर जो है लेंगली ने दिल का सूप बनाया हुआ होता है, जिसे देख के लियान चेन वापस से लेंगली पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने इंसान का दिल कैसे दे दिया मेरी पत्नी को। जिस पे लेंगली अपनी डिफेंस में कहती है कि मैंने तो नहीं कहा कि ये इंसान का दिल है, ये तो टॉर्टोइस का दिल है और साथ ही साथ जो है काफी अच्छा दिल है क्योंकि ये सारी चीजों को क्योर कर देता है, अगर इसको जड़ी बूटियों के साथ मिला के दिया जाए तो कोई भी इंसान जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेंगली और लियान चेन की फाइट और आगे बढ़ पाती कि तभी अचानक से लियान योन पेट दर्द का नाटक करने लग जाता है और कैसे न कैसे करके लेंगली को वहां से बाहर निकालता है क्योंकि लियान योन नहीं चाहता था कि लेंगली किसी भी खतरे में पड़ जाए। वे लियान योन और लेंगली बिना खाए हुए निकल चुके थे जिस वजह से वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लेंगली के भाई बहन भी मौजूद थे। वे यहाँ पे एक और बात, क्वीन को थोड़ा बहुत जड़ी बूटी है और सारे के सारे पॉइजन के बारे में नॉलेज थी और साथ ही साथ क्वीन को जो है जादू भी आता था, जिस वजह से जब लेंगली के भाई बहन रेस्टोरेंट के अंदर लेंगली को परेशान करने लगते हैं तो लेंगली अपनी मैजिकल पावर के थ्रू अपने भाई की आंखों में कुछ मिट्टी सा फेंक देती है और इससे होता ही है कि लेंगली के भाई को दिखना बंद हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है लेंगली ने इतना ज्यादा फास्ट किया था अपनी मैजिकल पावर जिस वजह से किसी को भी लेंगली पे शक नहीं होता है। वेल खाना खाने के बाद लेंगली घर जाते ही सो जाती है जहाँ पे लियान योन कुछ ढूंढने लग जाता है और यहाँ पे लियान योन को ऐसा करता हुआ देख लेंगली क्वेश्चन करती है कि वह ऐसा क्या कर रहा है, जिस पे लियान योन रिस्पॉन्स में कहता है कि वो गिफ्ट प्रिपेयर कर रहा है क्योंकि लेंगली की आज की हरकतों की वजह से लेंगली के घर वाले लेंगली पे काफी गुस्सा होंगे। वह अब गिफ्ट ढूंढने के बाद लियान योन और लेंगली सोने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे लियान योन सोने से पहले लेंगली से क्वेश्चन करता है कि वो जमीन में सोए या फिर लेंगली के बगल में सोए, जिस पर लेंगली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और ये इशारा होता है लियान योन को ये बताने का कि वो बगल में सो सकता है। वेल अब लेंगली की वजह से लियान शॉन काफी पावरफुल हो चुका था क्योंकि लेंगली हमेशा से ही लियान शॉन को प्रोटेक्ट करने में लगी थी, जिस पर लियान चेन अपने आठवें भाई के साथ मिल के प्लान बनाता है कि किस तरह से वो लियान शॉन को फंसाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ लेंगली अपने फादर से मिलने के लिए गई हुई होती है जहाँ पे लेंगली के फादर शुरुआत में लेंगली पे काफी चिल्लाते हैं क्योंकि लेंगली की वजह से लेंगली के भाई की आंखें खराब हो चुकी है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर इस बार लेंगली बर्दाश्त नहीं करती है और सीधा अपने फादर को कह देती है मुंह पर कि जब भी वो मुझे परेशान करते थे तब आप उनको कुछ नहीं कहते थे लेकिन अब मैंने उन लोगों को परेशान कर दिया है तो आप मुझे इतना ज्यादा सुनाने में लगे हो क्योंकि आप शुरुआत से ही मुझे प्यार नहीं करते आ रहे हो। वेल इस बार लेंगली को ऐसा बोलता हुआ देख लेंगली के फादर को भी एहसास हो जाता है कि उन्होंने अभी तक लेंगली के साथ बहुत बुरा करा है, जिसके बाद लेंगली अपने फादर को घर जाते हुए कहती है कि इस बार मैंने भाई की आंखों में कुछ भी नहीं डाला है, वो 5 दिनों में ठीक हो जाएगा लेकिन अगली बार अगर उसने मेरे को वापस से परेशान किया तो शायद से मैं उसकी आंखें असलियत में भी छीन सकती हूँ। वेल अब आगे लियान चेन अपने आठवें भाई के साथ मिलके लियान शॉन को जबरदस्ती ब्रॉथल लेके जाते हैं और उसे ड्रिंक करवाते हैं और लियान शॉन को कभी भी ड्रिंक की आदत नहीं थी जिस वजह से लियान शॉन को जल्दी से असर होने लग जाता है और उसे साथ ही साथ गर्मी लगने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लियान चेन तुरंत ही रूम के अंदर एक लड़की को भी भेज देता है। लेकिन यहाँ पे हल्की सी लियान शॉन की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि जो ब्रॉथल की लड़की लियान शॉन के लिए चुनी गई हुई होती है वो एक्चुअली में लियान शॉन की असिस्टेंट होती है, जिस वजह से वो असिस्टेंट लियान शॉन के साथ कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ लियान चेन को दिखाने के लिए लियान शॉन के साथ इंटीमेट होने का नाटक करती है। वेल यहाँ पे एक्चुअली में तो लियान चेन का प्लान था कि वो आठवें भाई के साथ मिलके लियान शॉन को किसी लड़की के साथ इंटीमेट करवा देगा और जब ये बात राजा को पता चलेगी और लेंगली को पता चलेगी तो वो दोनों जो है लियान शॉन से बात करना ही छोड़ देंगे, जिसके बाद लियान शॉन को राजा बनने की
पोजीशन तो मिलेगी ही नहीं कभी भी। लेकिन ये प्लान बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि लेंगली सही टाइम पे आके लियान शॉन को बचा लेती है और लियान चेन और आठवें भाई को रूम से बाहर निकालते हुए उन्हें भी ड्रिंक पकड़ा देती है, जिसके बाद उन लोगों की हालत भी लियान शॉन की तरह हो जाती है। बस अंतर इतना होता है कि वो लोग ब्रॉथल में ही रह जाते हैं और लेंगली अपने पति को अपने साथ घर में लेके चली जाती है। वेल, लेंगली लियान शॉन को भले ही अपने घर में लेके चली जाती है लेकिन लियान शॉन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। लियान शॉन यहाँ पे लेंगली के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन लियान शॉन फिर हर बार अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है क्योंकि इससे लेंगली भी काफी ज्यादा हर्ट हो सकती है। और लियान शॉन को ऐसा करता हुआ देख जब लेंगली नोटिस करती है तो इस बार लेंगली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और इस बार खुद से जो है लेंगली लियान शॉन के साथ इंटीमेट हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है जब लेंगली ही खुश है और करना चाहती है तो लियान शॉन क्यों रोकेगा अपने आप को। वेल, अब इंटीमेट होने के बाद लियान शॉन और लेंगली के बीच का जो बॉन्ड होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, जिसके बाद लियान शॉन और लेंगली को राजा का बुलावा आ जाता है। वेल, यहाँ पे राजा ने लेंगली और लियान शॉन को इसलिए बुलाया हुआ होता है क्योंकि लियो ने जो है लेंगली के कंप्लेंट कर दी होती है राजा को कि लेंगली जो है बिल्कुल भी मैनर्स में बात नहीं करती है। इसी चीज की डांट लगाने के लिए राजा ने लियान शॉन और लेंगली को बुलाया हुआ होता है। मतलब यहाँ पे राजा लेंगली पे तो चिल्लाता ही चिल्लाता है लेकिन जब लियान शॉन लेंगली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो राजा लियान शॉन पे भी चिल्लाने लग जाता है क्योंकि एज अ हस्बैंड लियान शॉन की जिम्मेदारी थी लेंगली को मैनर्स सिखाने की। मतलब बात करते हुए राजा सीधा लियान शॉन और लेंगली के सामने पहुंच जाता है कि तभी यहाँ पे कोई राजा को मारने की कोशिश करता है लेकिन सही टाइम पे लियान शॉन अपने फादर के सामने खड़े हो जाता है और जो तीर होती है वो अपने ऊपर ले लेता है। वे लेंगली को यहाँ पे मेडिसिन की नॉलेज थी जिस वजह से वो लियान शॉन की जान बचा लेती है और साथ ही साथ जल्द से जल्द लियान शॉन रिकवर हो पाए, जिसके लिए लेंगली निकल जाती है कुछ स्पेशल हर्ब्स लेने के लिए। जहाँ रास्ते में लेंगली के ऊपर कुछ गुंडे अटैक करते हैं जहाँ पे शुरुआत में लेंगली उन गुंडों से अपने आप को काफी अच्छे से डिफेंस करती है लेकिन जैसे ही लेंगली वीक होने लगती है कि सही टाइम पे वहाँ पे एक व्हाइट घोड़े में सवार आदमी आता है और लेंगली को उन गुंडों से बचा लेता है। वे यहाँ पे उस आदमी की शक्ल बिल्कुल ही बिल्कुल लियान शॉन की तरह मैच कर रही थी, फिर मैं ये कहूँ कि वो लियान शॉन ही था। बस यहाँ पे डिफरेंस ये था कि लियान शॉन वहाँ पे व्हाइट विग पहन के आया हुआ था ताकि लेंगली को बिल्कुल भी शक ना हो कि लियान शॉन जो है इतना ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल इंसान है। साथ ही साथ लेंगली को भी शक हो जाता उस आदमी पे कि वो शायद से लियान शॉन ही है क्योंकि उस आदमी के भी शोल्डर्स पे चोट लगी हुई थी और साथ ही साथ जो है उस आदमी के अंदर से भी वही स्मेल आ रही थी हर्ब्स की जो लेंगली ने लियान शॉन को लगाई थी। लेकिन लेंगली इससे पहले कि लियान शॉन के शोल्डर में हाथ रख के पता कर पाती कि वो लियान शॉन है कि नहीं है कि उससे पहले ही जो है लियान शॉन वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद लेंगली तुरंत ही भागते हुए अपने राजमहल वापस जाती है और रूम में जाते ही लियान शॉन को चेक करती है जहाँ पे लियान शॉन लेंगली के आने से पहले ही बैठा हुआ था वहाँ पे और वहाँ पे आराम करने का नाटक भी कर रहा था साथ ही साथ। वेल, अब लेंगली और लियान शॉन को भूख लगी हुई थी जिस वजह से वो लोग बाहर चले जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जहाँ पे उसी रेस्टोरेंट में वही ब्रॉटल वाली लड़की बैठी हुई थी जो कि लियान शॉन की असिस्टेंट थी। वेल, वो लेडी भले ही लियान शॉन के लिए अपनी असिस्टेंट थी लेकिन लेंगली के लिए वो वही लड़की थी जो कि लियान शॉन के साथ इंटीमेट होने वाली थी, जिस वजह से लेंगली उस लड़की को देखते ही जलन करने लग जाती है। वेल, यहाँ पे लेंगली साथ ही साथ लियान शॉन से भी गुस्सा हो जाती है लेकिन लियान शॉन नाटक करते हुए लेंगली को कैसे ना कैसे मना ही लेता है, जिसके बाद लेंगली लियान शॉन को वार्न करती है कि वो आज के बाद किसी भी लड़की के आसपास ना घूमे। मतलब आप लोग देख सकते हो कि अब लेंगली जो है धीरे धीरे करके लियान शॉन से भी अट्रैक्ट हो रही है। जो लेंगली के फादर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं सारे के सारे सिपाहियों के, जिस वजह से लेंगली के फादर राजा को बताने के लिए गए हुए होते हैं कि म्यान देश के लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, जिस वजह से राजा काफी टेंशन में आ चुका होता है क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छे सैनिक नहीं है, जिस वजह से राजा को एक ऐसा इंसान चाहिए जो पूरे के पूरे वॉर को अच्छे से प्लान कर सके। वेल, वहाँ पे लियान चेन भी मौजूद था जिस वजह से लियान चेन अपने फादर को सलाह देते हुए बताता है कि उसे एक ऐसा इंसान का नाम पता है जो कि पूरे के पूरे वॉर को जो है हैंडल कर सकेगा। और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि लियान चेन ऐसे किस इंसान का नाम लेता है जो कि वॉर को हैंडल करने वाला है और लियान चेन के मन में और क्या प्लानिंग चल रही है। तब तक के लिए बाय और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।